हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गाइस, आपको एक बात बतानी है कि एक और नया चैनल आ गया है, वो मेरा ही है। तो मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? तो आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो के लिए ही है, तो उस चैनल पे भी आप जाके थोड़ा सा देख लेना। अगर पसंद आए तो कर देना सब्सक्राइब उसको भी। वो वाला चैनल टैरो से रिलेटेड नहीं है। उसमें जो इंस्टाग्राम पर मैंने नया आईडी बनाया है ना, तो उसके रील्स को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तो वो शॉर्ट वीडियो ही वहाँ पर होंगे, लॉन्ग वीडियो तो वहाँ होगा नहीं। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद तो होना नहीं है और आप वहाँ पर मुझे देख भी पाएंगे। वो क्या है ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं ना कि आप यहाँ पर आपने कोई फ़ोटो नहीं डाली, आप यहाँ सामने आकर रीडिंग नहीं करते, तो ये चैनल तो जैसा ही ऐसा ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर आप मुझे देख पाएंगे, क्योंकि बचपन से ही ना मुझे एक्टिंग का शौक़ था। लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, समझ गई, ये सब मेरे यहाँ पे नहीं चलता। तो अभी जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, इस चैनल को बनाई हूँ, अभी सोशल मीडिया पे मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती हूँ, तो अब मुझे मौका मिला है कि क्यों ना मैं इंस्टा पे ही न्यू आईडी बना लूँ। तो वहाँ पर मैंने आईडी बनाया और फिर वहाँ रील्स मैं बना रही हूँ अभी कुछ दिन से। तो वही रील्स मैं यहाँ अपलोड करूँगी उस शॉर्ट वाले वीडियो के चैनल पर, ठीक है? अब चलिए रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कोई है, ये भी है, ठीक है? आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, या फिर वो किसी और के साथ मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं आपके रिश्ते में, या फिर कोई उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा भी है, ठीक है? और आपके पर्सन पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके साथ रीयूनाइट भी वो होना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर डेविल एनर्जी है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती है। ये आपके पर्सन की फैमिली में से भी कोई हो सकता है, या कोई उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन चाहते तो यही हैं कि आपके साथ रीयूनाइट होना, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर डेविल एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है। और ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन का दिल आपकी वजह से भी टूटा हुआ है। उनको लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, या आप उनसे नाराज़ हो और इस वजह से कोई बातचीत नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है क्या? आपके पर्सन आपको कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो, ये भी हो सकता है। या फिर अभी नो कांटेक्ट है और पास्ट में आप दोनों की जब बातचीत थी, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तब आप दोनों के बीच कोई ना कोई झगड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी से तो वो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से भी वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं हो, उनके साथ जो सिचुएशन है उसको आप नहीं समझते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा भी है कुछ के पर्सन के साथ। नो कांटेक्ट है बहुत लोगों का, और कुछ के पर्सन से उनकी बातचीत होती है लेकिन पहले की तरह नहीं होती। तो अभी यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं लेकिन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि आप भी उन्हें नहीं समझते हो। देखिए, आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए लेकिन निभा नहीं पाए उन्हें, ये भी आपके पर्सन को बुरा लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने आपसे वादे तो किए थे। और ये सब हुआ है इसी वजह से कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन चाहते तो सब कुछ कर सकते थे लेकिन थर्ड पार्टी का उन पर कंट्रोल है, ठीक है? आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, इसी वजह से आपके पर्सन ने कोई भी वादे नहीं निभाए हैं और अब उन्हें ये बुरा लगता है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो करें, लेकिन आज भी वही प्रॉब्लम है कि थर्ड पार्टी अभी भी उन्हीं के साथ है। और आप समझ गए गाइस कि वही थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है, जो डेविल एनर्जी यहाँ पर है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, वे वही थर्ड पार्टी है, ठीक है? और इसी वजह से आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो डेविल एनर्जी होती है वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, ठीक है? उन्हें बस दूसरों को परेशानियाँ देनी है।
और दूसरों को ही सताना होता है। और यहाँ पर आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है कि आपके पर्सन वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आता और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके पर्सन खुद ही परेशान है उस थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, वो चाहते बहुत कुछ करना है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और देखिए, कुछ ने अपने पर्सन से मैरिज भी की, भले उसे किसी को बताया नहीं, ठीक है, चुप कर ही किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे मैरिज भी कर ली, ये भी हुआ है कई लोगों के साथ। और पास्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, प्यार भी था, आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन सारी चीज़ें खराब हुई है इस तीसरे इंसान की वजह से। अब वो थर्ड पार्टी कौन है ये आपको पता होगा, उसके आने के बाद ही रिश्ता खराब हुआ है और आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। वो भी थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा सुनते थे और आपसे उन्होंने मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है। ठीक है, उनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, ये आपके पर्सन को अब समझ में आता है। और आपके पर्सन को अब ये भी समझ में आता है कि आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे उनके लिए, लेकिन तब तो आपके पर्सन को बात समझ में आई नहीं और थर्ड पार्टी में जाकर वो खुद ही अब स्टक हो चुके हैं और किस तरह वहाँ से निकलना है ये भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आता। और सिर्फ वो पछताने के सिवाय उनके पास अभी कुछ बचा भी नहीं है, पुरानी बातों को याद करते हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पछता सकते हैं क्योंकि खुद गलतियाँ उन्होंने की है। इस थर्ड पार्टी को रिश्ते में लेकर आए हैं और थर्ड पार्टी की बातों में भी वो आए हैं और आपसे अपना रिश्ता पूरी तरह ख़राब कर लिया और अब आपको याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि कहाँ से कैसे उस थर्ड पार्टी से निकलना यही तो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और आसानी से आपके पर्सन को छोड़ने वाली भी नहीं है, ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है गाइस कि उन्हें सोसाइटी का, फैमिली का डर भी है, जिसकी वजह से वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसा भी कुछ के पर्सन के साथ है, हो सकता है कास्ट इशू हो। आप इतना समझ गए गाइस, अब आगे चलिए देखते हैं। अभी परेशान मत होना ना, अभी आगे अच्छा अच्छा बात बताऊंगी, उसको भी सुनना। अब आगे ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अभी तक तो ये सब कुछ चल रहा था, अब वो खुद ही बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो भी पूरी तरह थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब खुश हो जाओ। और मैं जब ये वाली बात आती है ना कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि सबका रीयूनियन हो ही जाए जल्दी से और आप लोग भी पॉजिटिव रहकर वैसे ही मैनिफेस्ट करो अपने पर्सन को कि आपका रीयूनियन हो ही चुका है, बस यही सोच लो। डेविल को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ लव वाइब्रेशन भी उन्हें सेंड कीजिए। डेविल को उनका काम करने दीजिए, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, लव वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कीजिए, हीलिंग आप अपने पर्सन को सेंड कीजिए। आपके पर्सन खुद आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, थोड़ा सा टाइम लगना है। और अच्छा, देखिए कुछ के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि आज अच्छे से बात हुई, आज आपने फ्यूचर की प्लानिंग भी की अपने पर्सन के साथ, आपको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है और आपके पर्सन ने हो सकता है आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया या आपसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया, दूसरे दिन कोई बात ही नहीं की। ऐसा भी कुछ के साथ हुआ होगा कि आज सब कुछ ठीक था, दूसरे दिन से ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। और देखिए, ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये उसी समय आई थी, ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से थी आपके रिश्ते में, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि उसी समय आई और उसी समय आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। ये लंबे समय से आपके रिश्ते में थी ये डेविल एनर्जी, ये जो थर्ड पार्टी है, शायद आपको पता भी होगा या फिर आपको नहीं भी पता होगा, लेकिन ऐसा था। और इसी की वजह से तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बातचीत कम कर दी, जैसे पहले बातचीत होती थी उस तरह से कोई बात नहीं करते थे वो, ये भी हुआ है क्योंकि ये डेविल एनर्जी आपके रिश्ते में पहले से ही थी और इसी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और आपके पर्सन ने फिर आपसे बताया या नहीं बताया और वो आपसे अलग हुए हैं, है ना। अचानक भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बिना कोई आपको कोई रीज़न बताए और आपसे अलग हो गए वो, और आप तो परेशान थे ही, आज भी परेशान होते हो, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है ना। मैं बार बार वही कहती हूँ कि जो हमारी चीज़ है वो कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे उसके बारे में हम सोचें ना सोचें, वो हमारे पास घूम फिर कर आती ही है। और जो हमारे लिए सही नहीं होता ना, वो यूनिवर्स उसको खुद ही हमसे दूर कर देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो, ये भी बात है। इसीलिए जो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सब में खुश रहना सीख लीजिए। ठीक है, अगर जो मिल गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए वो अच्छा है, इसलिए आपकी तरफ बढ़ा है और वो आपकी चीज़ थी। और अगर आपको नहीं मिला ना वो चीज़, तो आप समझ लेना कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं थी,
या इसके मेरी ज़िंदगी में आने से मेरा कोई ना कोई नुकसान होना था, इसी वजह से यूनिवर्स ने इसे मुझसे अलग किया है। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप अपने पर्सन को अच्छी तरह जानते होंगे, लंबे समय से आप रिलेशनशिप में उनके साथ रहे होंगे, आपको समझ में आता है कि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, तो आपको उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी बात आप जान लो। अगर गलत इंसान को आप मैनिफेस्ट करते हो, उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हो, तो फिर आप उसकी वजह से हमेशा परेशान ही रहोगे, आप खुश नहीं रह सकते ऐसे इंसान के साथ। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन अच्छा इंसान था, आपके लिए लॉयल था, आपके साथ उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपकी बातों को सुनता, आपको समझता था, तो फिर आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं और वो अपनी आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, तो वो ठीक है। लेकिन गलत इंसान को कभी भी मैनिफेस्ट मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर सिर्फ रोना ही है आपको, खुशियाँ चाहोगे भी तो नहीं मिलने वाली है। इसलिए सही इंसान हो तभी उसको मैनिफेस्ट करना। देखो अब फ्यूचर की बात करें तो अनब्लॉक आपको करेंगे अगर ब्लॉक करके रखा हुआ था तो, या ब्लॉक नहीं भी थे, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे तो करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट उनका आपको मिल सकता है क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भले उन्हें पता है या नहीं ये सब मैनिफेस्टेशन वगैरह, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जाने अनजाने ही सही कर तो रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको अगर वो पर्सन के बारे में आपको ठीक से आपको जानकारी है, आपको लगता है कि हाँ वो सही इंसान था आपके लिए, तभी आप उनको मैनिफेस्ट करना। और जो धोखा देकर गया है ना, उसको कभी मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो आपको बाद में भी धोखा दे सकता है, ठीक है। यह बात आप भी समझते हो। तो इंसान सही है तभी उसको मैनिफेस्ट करना। वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहता है, अब आपको समझ में आता होगा कि ये उसका स्वार्थ है या सच में वो आपसे प्यार करते थे या किसी मजबूरी की वजह से आपसे अलग हुए हैं। क्योंकि कुछ के पर्सन तो यहाँ चीट करके गए हैं, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन कुछ के पर्सन की मजबूरी ही थी कि आपसे अलग होना पड़ा, आपसे प्यार तो बहुत था। तो आप वही सब सोच समझ कर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि बाद में परेशान होने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा सह लो। और देखिए अब आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज भी आया है, आपके बारे में वो सोचने लगे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, थर्ड पार्टी की ही सुनते थे और उन्हीं के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन हर किसी के पर्सन के साथ अभी ऐसा नहीं है, हर किसी के पर्सन की एनर्जी अभी ये नहीं है। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है, लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी हील नहीं है। तो इसी के लिए आपको हीलिंग सेंड करनी है अपने पर्सन को, ठीक है। और देखिए थर्ड पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पर भी वो परेशान ही हैं, थर्ड पार्टी के साथ झगड़े भी हैं, वो उन्हें ब्लेम भी करती है, उनकी फीलिंग को भी नहीं समझती। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की वहाँ पर कोई कदर नहीं होती, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं थर्ड पार्टी की, इस वजह से आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती हैं, साफ साफ बात यह है। और कुछ के पर्सन के साथ प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का और फैमिली का डर है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे, लेकिन फ्यूचर में निकल जाएंगे, ठीक है ना, फ्यूचर में निकल जाएंगे। आपका रियूनियन भी यहाँ पर है, कमिटमेंट भी आपको मिल जाएगा, आपका रियूनियन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सही इंसान को ही हमें मैनिफेस्ट करना है, कभी अपनी ज़िंदगी में गलत इंसान को मैनिफेस्ट मत करना, नहीं तो हमेशा रोते ही रहोगे। तो अगर आपका पर्सन आपके लिए सही है, आपके लिए लॉयल है, और आपसे किसी मजबूरी की वजह से वो अलग हुआ, तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर रियूनाइट आप होंगे, ये साफ साफ है, ठीक है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो यही रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।